अजमेर स्टेशन पहुंचने वाला हूं और बहुत ही हैरानी की बात है, ये पहली बार मेरे साथ हुआ है कि मैं इंडियन रेलवेज में हूं और ट्रेन पहली बार अपने वक्त से करीबन 5 मिनट पहले पहुंची है। तो अभी मैं आ चुका हूं अजमेर स्टेशन, ये है शताब्दी, अजमेर शताब्दी जो मेरे जस्ट पीछे है, यहाँ से मैं कर रहा हूँ एग्जिट। अब जाना है मुझे पुष्कर, पुष्कर में मेरे होस्ट मेरा इंतजार कर रहे हैं क्राउड सर्फिंग के। ये क्राउड सर्फिंग में मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, शायद आप लोगों ने भी देखी होंगी। बीइंग ए ट्रैवलर, एक बजट ट्रिप करने के लिए अगर आप क्राउड सर्फिंग करते हैं तो अपनी ट्रिप को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली अच्छा बना सकते हैं। ये मैं आ चुका हूँ अभी स्टेशन से बाहर, देखते हैं क्या अरेंजमेंट्स हैं वहाँ जाने के लिए। अब मैं जस्ट बाहर आ गया हूँ यहाँ अजमेर स्टेशन के, जैसा कि आप देख रहे हो काफ़ी अच्छा स्टेशन है, बड़ा है, बहुत बड़ा जंक्शन है ये। और जैसा कि आपको पता ही है माहौल होता है स्टेशन का, वैसा ही माहौल है कि आप बाहर निकलेंगे 10 लोग आपके पास आ जाएंगे कि रिक्शा कर लीजिए, टैक्सी कर लीजिए, तो समथिंग वैसा ही है। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि अगर आप बजट ट्रिप पे हैं तो बिल्कुल भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ना जाएँ। यहाँ से 2 किलोमीटर की वॉक पर ही बस स्टैंड है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं वॉक करके जाऊँ। यहाँ से है, मैं इस तरफ से आया हूँ रोड क्रॉस करके, मैं सिर्फ वहाँ पुलिस सिग्नल तक गया था कि मैं पूछ सकूँ कि क्या डायरेक्शंस हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आप स्टेशन से उतरते हैं, रेलवे स्टेशन से अजमेर के अंदर, तो आपको थोड़ा सा आगे चल के अपने राइट हैंड पे मुड़ जाना है और वहाँ से सीधे ही सीधे जा कर के आपको बस स्टैंड पड़ेगा। बहुत लंबा नहीं है अगर आप चाहते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से ऑटो रिक्शा मिलता है, वो सिर्फ 10 रुपये चार्ज करते हैं, 10 रुपये में आपको स्टेशन तक छोड़ देगा, सॉरी बस स्टैंड तक छोड़ देगा जहां से आपको बस मिलेगी पुष्कर के लिए। अब मुझे बस स्टैंड तक जाना है, सिर्फ छोड़ सकते हैं, ओके थैंक यू। मनीष जी और शैलेश जी ने मुझे लिफ्ट दिया है, बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत ही ज्यादा, मतलब ये मेरा राजस्थान में फर्स्ट टाइम मैं हिच हाइक कर रहा हूँ। दूसरी ही गाड़ी थी, एटलीस्ट पहली गाड़ी थी उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे, मैंने देखा नहीं, मैंने लिफ्ट मांगा, और दूसरी गाड़ी थी आपने रोकी गाड़ी और मुझे स्टैंड तक के लिए बोला कि आप चलिए, तो बहुत बहुत थैंक यू। बहुत ज़्यादा अच्छी हॉस्पिटैलिटी है यहाँ राजस्थान में, अगर आप आते हैं तो आप इजीली हिच हाइक कर सकते हैं, क्राइम फ्री स्टेट है। थैंक यू। तो आपने अभी मुझे छोड़ा है यहाँ बस स्टैंड तक, पुष्कर जाएगी ना, बिल्कुल। गवर्नमेंट बस है ना भी, सीट तो मिलना मुश्किल है लेकिन बैग रखने की सहूलियत है, तो मैं बैग रख देता हूँ पहले, फिर देखते हैं शायद सीट मिल जाए। दो बंदे हैं सावित्री और गायत्री जी, आप उन दोनों में जरूर जाइएगा, वहाँ से पैनोरामिक व्यूज है। अच्छा, कितना दूर होगा यहाँ से? एक ही क्लाइंब होएगी अराउंड पुष्कर पे। अच्छा, दो मंदिर है, दो छोटे आसपास ब्रह्मा जी के दोनों, ऊपर जाके रहे हैं, मतलब पूरा पुष्कर दिखे। अनूप जी हैं, मैंने उनको अपनी सीट ऑफर की थी लेकिन उन्होंने कहा कि आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो आप बैठ लीजिए यहाँ, मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, हालांकि सीट पीछे खाली है, लेकिन आप मुझे बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं। आपने दो जगह मुझे बताई जो कि कहा जाता है कि बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ मुझे जाना है, अभी तक वो मेरी टू डू लिस्ट में नहीं था लेकिन मैंने ऐड कर लिया है। तो इसलिए उनकी जो दोनों वाइफ्स हैं और उनका खुद का एक मंदिर है बीच में, एक सरोवर है,
और सबसे बड़ा घाट है ब्रह्म घाट। अच्छा, सरोवर के चारों तरफ घाट से बनारस की तरह। जी बिल्कुल, मैं अभी बनारस ही था आपसे 10 दिन पहले। अच्छा जी, तो उसमें जो चारों तरफ घाट है, किसी का नाम है जोधपुर घाट, जयपुर घाट, जैसे बनारस हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट, इसी तरह से तो घाटों के सराउंडिंग में काफ़ी सारे वो हैं, शॉप्स हैं। अच्छा, बट जो मेन स्ट्रीट है, एक ही स्ट्रीट है जहाँ पे सारी शॉप्स हैं, और सारी की सारी शॉप्स एक ही स्ट्रीट खत्म होती है एंड पे, दैट इज ब्रह्मा टेम्पल। ओके, नाइस, दैट इज एंटायर पुष्कर सराउंडिंग द घाट। ओके, एंड इज ओनली वन स्ट्रीट, मेन स्ट्रीट दैट गोज टू द ब्रह्मा टेम्पल। ओके, प्राचीन तीर्थ भूमि जी जहाँ भगवान ब्रह्म का मंदिर है, सिर्फ यही है पुष्कर के अलावा कहीं नहीं है। कहीं नहीं है, मैंने पढ़ा था। बाद में कई जगह बनाने की कोशिश की गई लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। जी जी जी, ऐसा मतलब माना जाता है। तो एक तो हो गया आपका ब्रह्मा टेम्पल, और उसके बाद जो उनकी जो दो कॉन्सर्ट्स या वाइव्स आप कह सकते हैं, गायत्री और सावित्री, वो दो चोटियाँ हैं ऐसे लेफ्ट राइट बीच में टेम्पल, यहाँ से चढ़ाई होगी 1 घंटे की, 45 मिनट्स की। तो ये कल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 300-400 मीटर। अच्छा 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 अच्छा, और मैं एट द मैक्स 1 किलोमीटर। और दूसरी साइड हो गई आपकी गायत्री देवी की चढ़ाई, जो कि जिसमें सीढ़ियाँ नहीं है, जिसमें कच्चे रास्ते हैं। अच्छा, बट इट इज सेफ एंड ए बिट एडवेंचरस ऑल्सो। हो गई आपकी कोई 30 या 35 मिनट। I've also been a faculty of Spanish. Okay, nice. हाँ, ऐसे पार्ट टाइम और NDU and you know in MIT. बिल्कुल। तो मेरे को आज उससे मिलना है। It was very nice meeting you. इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की। तो बस से हम लोग उतर गए हैं, पुष्कर आ चुका है और ऑटो में यहाँ बैठ जाऊँ भैया। जहाँ मैं उतरा था वहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर था जो मेरे होस्ट हैं, उनका पता इस कम्युनिटी को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका कॉमर्शियल प्लेस है वो, लेकिन उसके बावजूद भी वो टूरिस्ट को रुकाते हैं वहाँ। बहुत जितने मैंने उनके रेफरेंसेस देखे हैं वो बहुत अच्छे हैं। उसका लेक है वो सामने सावित्री टेम्पल है, मेन ब्रह्मा का जो लेक ये है, उसके अलावा ये सामने सावित्री का टेम्पल है। अच्छा, वो ऊपर केबल कार चलता है जिससे यात्री केबल में बैठ के जा सकते हैं। हाँ हाँ। और जो पैदल जाना चाहता है वो पैदल भी जा सकते हैं, और जो नहीं चल सकते वो केबल में बैठ के जाते हैं वहाँ। अच्छा, केबल कार का कितना फेयर है? ये प्रति व्यक्ति 115 रुपये, 1 पर्सन इज 115 रुपीज। ओके ओके ओके, नाइस। तो वहाँ है सावित्री मंदिर, ऊपर उस पहाड़ के शहर आपको दिख रहा होगा, और दूसरा पहाड़ है वहाँ, चाउंडा शक्तिपीठ का मंदिर है सर, उसमें जहाँ से जहाँ माता जी के 52 शक्तिपीठ बने हुए ना, उसमें से 27वां शक्तिपीठ उस पहाड़ी के नीचे बना हुआ है। अच्छा अच्छा, जिसमें अच्छा, जैसे कि अपने इंडिया के अंदर पूरे ना 52 शक्तिपीठ बने हुए हैं, उसमें से कलाईअंग माधेश्वरी का यहाँ गिरा था, उसका 27वां शक्तिपीठ बना हुआ है, उसका वो सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, देखिए। अच्छा, सामने शक्तिपीठ दर्शन के लिए। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जो मेरे होस्ट हैं उनके पास, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एज ए गेस्ट एक्सेप्ट किया, और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूं क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये काउच सर्फिंग पे, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे कोई रुकेगा भी या नहीं, क्योंकि कोई रेफरेंसेस वगैरह नहीं थे। सॉरी, राजस्थान ऐसा नहीं है और पुष्कर तो ऐसा है ही नहीं वाकई, और हमारा काम है कि टूरिस्ट का स्वागत करना, और ऐसे आप जैसे लोगों का स्वागत। मतलब मैं इतना खुश हूँ ना दिल से, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता हूँ कि मुझे इस टाइम में मुझे कितनी खुशी हो रखी है, मैं शब्दों में नहीं कह सकता उस चीज़ को। यू आर ऑलवेज ओके ब्रदर, थैंक यू।